ये टाउन थाना क्षेत्र में दिनांक 10 मई 2019 को कैश लूट की घटना हुई थी। 12.5 लाख कैश जिसमें लूटा गया था। मोटरसाइकिल सवार 3 अपराधियों द्वारा घटना किया गया था, जिसमें एक गोली चलाकर एक व्यक्ति को घायल भी कर दिया गया था। उसमें अनुसंधान करने के लिए DIG सर के द्वारा एक विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया था और निरंतर इस कांड को अद्यतन में हम लोग प्रयासरत हैं। फुलौरिया थाना क्षेत्र में वहाँ के लोगों के द्वारा एक अपराधी को पकड़ा गया था मोटरसाइकिल पर हथियार के साथ, और वहाँ के गश्ती दल द्वारा जब उस अपराधी से पूछताछ की गई तो इस कैश लूट में जो फुटेजेस हम लोग के सामने थे, जो अनुसंधान के क्रम में हुलिया और इत्यादि हम लोग को क्रिमिनल्स के बारे में पता चला था, इसके बाद उसका वेरिफिकेशन हम लोग द्वारा करने के उपरांत जब इससे पूछताछ की गई, जयप्रकाश ठाकुर जो अपराधी पकड़ाया था वहाँ पर लोरिया में, तो इसने अपनी संलिप्तता उस कैश लूट में स्वीकार की है। अपने साथियों के नाम बताए हैं जो उस केस में उस लूट कांड में इसके साथ थे। घटना का पूरा विस्तृत विवरण इसके द्वारा दिया गया है। और उस कैश लूट के अलावा CSP संचालक एक तेगड़ा थाना क्षेत्र में 30 मई 2019 को कैश लूटा गया था CSP संचालक के द्वारा के पास से, उस कांड में भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इसके पास से एक देसी कट्टा और एक कारतूस जो लोगों द्वारा पकड़ा गया था उसी से बरामद हुआ था। एक मोबाइल इसके पास से मिला है और पूछताछ के क्रम में जो भी जानकारियां आई हैं उस पर रेड करने के लिए SDPO सदर के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का भी गठन हुआ है, जिसमें इंस्पेक्टर बरौनी और इंस्पेक्टर टाउन फुलवरिया रिफाइनरी के थानाध्यक्ष और DIO की टीम उसमें साथ में काम कर रही है। अलग अलग इलाकों में मोकामा थाना क्षेत्र में छापेमारी की गई है। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन शीघ्र ही हम लोग शेष बचे अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी कर लेंगे। सर, कितने की लूट की गई थी, कितने संख्या में अपराधी थे? जो पूछताछ के क्रम में बात अभी तक सामने आई है, लूट की घटना करने में, एक्चुअल घटना करने में 3 लोग थे, 3 अपराधी थे एक मोटरसाइकिल से, लेकिन इस पूरे प्लानिंग में और इस पूरे घटना को अंजाम देने में टोटल 7 लोग थे। 3 लोग और थे जो लाइनर का काम कर रहे थे और 3 लोगों जिसने घटना किया, और एक व्यक्ति और था जो बाद में लूट के बाद कैश को लेकर फिरार हुआ वहाँ से, जिसको ये लोग इन लोगों ने हैंडओवर किया और वहाँ से वो दूसरी गाड़ी से कैश को लेकर चला गया। कैश बरामद हुई है? अभी तक कैश बरामद नहीं हुई है। हम लोग प्रयासरत हैं, जिसके पास भी ये बता रहा है उसका सत्यापन हम लोग कर रहे हैं। उम्मीद है कि हम लोग कैश भी बरामद करें।